आमतौर पर जैसे ही भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर होती है, आईटी कंपनियों के शेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ भी उल्टा हो रहा है। पिछले हफ्ते TCS, इंफोसिस, विप्रो, बिरला सॉफ्टवेयर समेत कई बड़ी आईटी कंपनियों में 2% से लेकर 5% तक गिरावट देखी गई है। भारतीय शेयर बाजार फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वोल्टाइल है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। किसी भी निवेशक को इस ट्रेंड को समझने में परेशानी हो सकती है। निवेशकों को परेशानी यही खत्म नहीं हो रही, आमतौर पर ज्यों ज्यों भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है, आईटी कंपनियों के शेयर उतना ही अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ भी उल्टा ही हो रहा है। पिछले दिनों भारतीय रुपये ने डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड लो लगा दिया था। अगर हम बात करें पिछले एक सप्ताह की, तो आईटी के दिग्गज स्टॉक भी अभी भी दबाव में चल रहे हैं। पिछले हफ्ते TCS, इंफोसिस, विप्रो, बिरला सॉफ्ट समेत कई बड़ी आईटी कंपनियों में 2% से लेकर 5% तक गिरावट देखी गई। इस बारे में शेयर इंडिया के रिसर्च हेड और वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह ने लाइव मिंट को बताया कि सप्लाई और दबाव के कारण में गिरावट के चलते मार्जिन में कमी आने की वजह से आईटी स्टॉक प्रेशर में है। मैन पावर पर बढ़ते खर्च, हाई एट्रिशन रेट के चलते मार्जिन में गिरावट इत्यादि की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले में प्रॉफिट की ग्रोथ में गति कम आई है। आईटी सेक्टर की गिरावट की एक अन्य वजह है अमेरिकी फ्रेंड द्वारा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कड़ा करना, जिसकी वजह से अमेरिकी इंडाइसिस पर प्रेशर आया है और फाइल्स ने भारतीय बाजार से पैसा निकाला। प्रॉफिटिजेंस इक्विटीज़ के फाउंडर और डायरेक्टर मनोज जालवे ने बताया कि आईटी इंडेक्स अभी और गिर सकता है। उन्होंने बताया कि आईटी स्टॉक में आ रही गिरावट के 3 मुख्य कारण है। पहला, कमजोर मार्जिन और अर्निंग रिपोर्ट। दूसरा, कर्मचारियों की हायरिंग और उन्हें रिटेन करने की ऊंची लागत। और तीसरा, पिछले 10 सालों के मुकाबले आईटी स्टॉक्स की पी रेशियो हाई है। पहले 18 पर थी और अब 28, जो कि कंपनियों की ऊंची वैल्यूएशन की तरफ इशारा करती है। लगता है कि आईटी इंडेक्स 27,500 के स्तर तक आ सकता है, जो लंबे समय के लिए निवेश करने वाले निवेशकों को इस स्तर से आईटी स्टॉक खरीदना शुरू कर देना चाहिए। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।